योगी के यूपी में क्यों भड़क गई महिला अफसर? हमारे फोन छीन लोगे आप? पहले छीना मोबाइल, फिर जमीन पर पटक दिया। आखिर किस बात पर महिला अफसर हो गई नाराज? हाँ करके दिखाओ, करो रिकॉर्डिंग, डिलीट करो। सुबह कोर्ट में मैं मिलूंगा आपसे। महिला अफसर ने मोबाइल पर क्यों उतारा गुस्सा? उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी महिला अफसर का है जिसकी जिम्मेदारी वैसे तो जनता जनार्दन की समस्याएं सुनने की है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें महिला अफसर इस कदर आग बबूला होती नजर आ रही हैं कि घटना स्थल का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक का मोबाइल ही पटक कर तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मोबाइल पटक कर तोड़ती नजर आ रही ये महिला है विनीता सिंह, जिन्हें सहायक समायोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यही जिम्मेदारी निभाने के लिए ये महिला अफसर जिला बागपत से रमाना थाने इलाके में ईंट भट्टे पर गई थी, जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिली थी कि इस ईंट भट्टे पर मजदूरों को बंधक बनाया गया है। खबर मिलते ही सहायक श्रम आयोग विनीता सिंह पुलिस टीम के साथ सीधे ईंट भट्टे पर जा धमकी और लगी तफ्तीश करने कि इसी दौरान घटनास्थल पर एक मौजूद एक युवक वीडियो बनाने लगा, जिस पर महिला अफसर बुरी तरह से भड़क गई और मोबाइल छीन लिया, जिस पर युवक और महिला अफसर पर जमकर बहस होने लगी और ये बहस इस स्तर पर पहुँच गई कि सहायक श्रम आयोग विनीता सिंह ने फोन ही तोड़ दिया। करो रिकॉर्डिंग, डिलीट करो। सुबह कोर्ट में मैं मिलूंगा आपसे। आप रिकॉर्डिंग डिलीट करो। कौन सी बदतमीजी करी? हमारे फोन छीनोगे आप? तो हम नौकर है आपके, हम नौकरी कर रहे हैं आपकी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला अफसर ने गुस्से में फोन पटक दिया, और जब मामला बढ़ता गया तो अफसर विनीता सिंह ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें फंसाने के लिए वीडियो को एडिट किया गया है, उन्होंने हाथ झटका था, मोबाइल नहीं तोड़ा था। उसने मारना चाहा तो उसने उन्होंने रोक भी दिया था, उसे रोक के उन्होंने गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद 23 तारीख की शाम को मेरे द्वारा तहरीर दी गई इसकी, और डीएम साहब के आदेश थे कि भाई इतनी बड़ी बदतमीजी, जब जिले का लेबर कमिश्नर ही सुरक्षित नहीं है तो लेबर की हम क्या सुरक्षा करेंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं हम कि लेबर इनके भट्टों पर सुरक्षित है या नहीं। अब ये तो बिल्कुल सरासर गुंडागर्दी है, मेरा कोई अपना पर्सनल काम करने थोड़ा ना गई हूँ मैं। मैडम तीन बात है इसमें जी। पहली बात तो जो के वायरल वीडियो हो रहा है उसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, तो अगर कैमरे की तो कैमरे में दिखाई दे रहा है। एक बात है, पहली बात तो ये है कि उसमें जांच करा ले अगर उसका मोबाइल है भट्टा ओनर का, क्योंकि उसमें थर्ड पर्सन आके गाली गलौज करता है। मैं बताती हूँ, उसमें थर्ड पर्सन आके गाली गलौज कर रहा है, उसका भट्टा नहीं कुछ नहीं, और दूसरा तो उसका फोन था वो भट्टा ओनर का नहीं था। मैं उससे बस यही पूछा कि भाई जब आप नहीं है तो क्यों आप गाली गलौज कर रहे हैं दूसरे के भट्टे पे, तो इसकी आप जांच करा लीजिए। यशवीर शायद उसका नाम था बंदे का, मुझे बाद में पता चला इन्होंने बताया था, तो इन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि FIR वापस ले ले, अब माफीनामा की भी कोशिश करी, इसे धमकी भी दिलवाई चारों तरफ से, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका भी ऑडियो, इसने वीडियो मुझे कॉल भी करी है, उससे पहले के भी मतलब मेरे पास सारे इसके स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं, वीडियो सर के पास होती है, ऐसे थोड़ा ना होता, चीज़ें पूरा डालो ना। अगर आप कोई चीज़ छाप रहे हैं कुछ तो मतलब न्यूज़पेपर वालों के एथिक्स होने चाहिए ना। महिला अफसर विनीता सिंह मामले में सफाई देते हुए मोबाइल तोड़ने और गाली गलौज की वीडियो को जहां एडिटेड बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईंट भट्टा मालिक बिट्टू कुमार ने इस मामले में कहा कि आरोप निराधार होने के बाद भी सहायक श्रम आयोग अपने कर्मचारियों के साथ रिश्वत मांगने लगी और जांच के नाम पर उससे 1 लाख रुपये की मांग की गई, जिसमें 15,000 रुपये उसने कर्मचारियों को तभी मौके पर दे दिए, बाकी 85,000 2 दिन इंतजाम करने के बाद में देने की बात कही। 13/4/2023 को मेरे मजदूरों ने कुछ शिकायत की थी, जिस पर सहायक श्रमायुक्त विनीता सिंह
वरिष्ठ सहायक उमेश कुमार व संविदा कर्मी सचिन कुमार भट्टे पर आए थे। इन्होंने आकर मुझे कहा कि ऐसे ऐसे तुमने लेबर को बंधक बनाया है, तो मैंने सारा चेक कराया, यहाँ पर कोई बंधक नहीं पाया गया। सभी मजदूरों का बयान लिया उन्होंने। बयान लेने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना कि इसमें कुछ सोचो तुम। उसके बाद 1,00,000 रुपये की मेरे से डिमांड की गई। मैंने 15,000 रुपये तो साथ के साथ उनको दे दिए, बाकी 85,000 रुपये का अगले 10-15 दिन में देने का वादा किया। जिसके बाद 16 तारीख को फिर यही आदमी दोबारा आए, दोबारा फिर दबाव बना, तो मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं नहीं दे पाया। उसके बाद 18 तारीख को इन्होंने उस लेबर को यहाँ से भरवा के भेज दिया, जिसमें 29/4 को इन्होंने रिपोर्ट भी लगा दी थी। उसके बाद मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया गया पैसों के लिए। जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो 23 तारीख को मैडम ने आकर यहाँ पर गाली गलौज व अभद्रता की, वो भी मेरे दूसरे भट्टे पर। और फ़ोन से हमने वीडियो बनानी चाहिए तो हमारा फ़ोन छीन कर तोड़ दिया गया तथा हमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई यहीं पर। उसके बाद पुलिस द्वारा मुझे पकड़वा कर थाने भेजा गया और वहाँ पर मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजा गया, जहाँ पर जज साहब द्वारा कुछ धाराएँ उसमें से काट दी गई जिनका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। और अब वो मुकदमा मेरे खिलाफ़ चल रहा है। इसके लिए मैंने DM साहब बागपत, SP साहब और थाना बागपत और CM पोर्टल पर मैंने शिकायत की है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भट्टा मालिक ने जहां महिला अफसर पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहायक श्रम आयुक्त भी रिश्वत लेने के आरोप को नकारते हुए पुलिस से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। तो क्या मांग करनी चाहेंगे आप आला अधिकारी? जो भी है इसकी जांच हो पूरी, जो चीजें निराधार है, झूठी है, किसी के छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। जानलेवा हमला हुआ था? बिल्कुल हुआ था। उसकी वीडियो कहाँ गई? अगर कैमरे में सब चीजें रिकॉर्ड हुई है तो वो उस टाइम की वीडियो कहाँ गई है? जो कैमरे में आदमी पैसे लेता दिखाई दे रहा है वो आपका कर्मचारी है? कहाँ पैसे ले रहा है उसमें? और वो उसने उसकी क्या नाम है लेबर का जो गाड़ी आती है उसका पैसा हमें नहीं मिलता है, उसको पैसा तो दिलाना पड़ेगा ना। किसी की गाड़ी अगर उसने भगा दी है भट्टा ओनर ने, उसका पैसा कौन देगा उनको वहाँ तक घर छोड़ने का, उनका सामान भर के? क्योंकि ऐसा तो प्रोविजन नहीं है ना कि हम उनके वहाँ तक उनको मतलब गाड़ी करके देंगे। वो भट्टा मालिक की उसकी वो है कि उनको लेबर को छुड़वाए और वो हमारे संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में वो जाते। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही वीडियो के बाद महिला अफसर और भट्टा मालिक जहां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मदन मोहन सोनी नाम के एक पत्रकार ने लिखा, ये बागपत के श्रम आयुक्त हैं, वीडियो अंत तक देखना किस भाषा का प्रयोग कर रही है। सहायक श्रम आयुक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्रता करते हुए एक मोबाइल को जमीन पर पटकते हुए नजर आ रही है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू करा दी है। शुभम राय नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, यूपी के बागपत जिले की गालीबाज महिला अधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त के अधिकारी हैं, जो वीडियो बनाने पर एक शख्स का मोबाइल पटक कर तोड़ दिए। जिया चेयरमैन बागपत नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सहायक श्रम आयुक्त ने शख्स का फोन छीन कर तोड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद महिला अफसर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कृष्णदेव नाम के यूजर ने लिखा, यूपी के इस महिला अधिकारी के तेवर तो देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को लेकर हर कोई महिला अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर रहा है। वैसे आपको बता दें, बागपत की ये घटना अप्रैल की बताई जा रही है, हालांकि सोशल मीडिया पर अब जाकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है। क्योंकि वायरल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह गुस्से में लाल हैं और बहस के बीच अचानक उन्होंने मोबाइल ही पटक दिया, जबकि दूसरी तरफ भट्टा मालिक ने उन पर 1,00,000 रुपये रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल इस मामले में केस दर्ज हो गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। वैसे इस घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।